तो छोले भटूरे जलेबी में थी, सब कुछ खत्म हो चुका है। इस बात की बहुत खुशी है, सैलेड तो मैंने खाई नहीं। मैं तो रुक जाओ, वो बनाएंगे वीडियो। इस चश्मा ने एक बार चश्मे उतार कर एक बार चश्मे आगे हो थोड़ा सा। बिल्कुल देखो इधर चलो इधर देखो इधर साथ हो जाओ। बस इधर
हेलो इधर देखो इधर इधर बेटा इधर जीजू देखो यहाँ पे इधर ये भी आराम से मोनू मंदिर का कस्टमर इधर देखो इधर भी इधर देखो होगा अबे दुपट्टा हटा दो हां एक दूसरा बाजू पीछे ये
इतना गैप होगा थोड़ा क्लोज इधर देखो इधर इधर देखो बेटा इधर स्थान लिया अब गाड़ा खींच गया बढ़िया
इधर आ जा तू यहाँ वो वैसी है वो नहीं होती वो खाने वाली वो बता देना फिर ठीक है बाय हैं सब हो गया अब हम अपनी रील्स बनाएंगे थोड़ी देर बोलते थोड़ी देर और फिर निकल लेंगे थोड़ी देर वो बैग उन्होंने बनाओ ना बना के फिर चले जाना तुम ठीक है रुक जाओ वो बनाएंगे वीडियो बेटा अपना दूसरे का सुझाव नहीं बताना फोन में चेंज नहीं करेगा चल घूम जा तू कमल घूम जा इसके बाद रील बनाएंगे मैं पिन नहीं खड़ी ये नीचे जो गिरे वैसे भी फोड़ेंगे बच्चे हम भी फोड़ देंगे ये ना आई आई रितिक्षा कर रही है हाथ पकड़ के रितिक्षा कर रही है करो 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 ऐसे 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 करो हेलो फटाफट जाएगा चलो एक
मार रहे हो पान हो गया ना हाँ ठीक है चार चार ये बस सुन लियो आप खड़े नहीं मारो नहीं मारो यहाँ पे सारे देख लो यहाँ खड़े हम आ गए अरे आई उत्तम तीन नौ आई बस क्या देखो साउंड सुन लो साउंड जाना है आप हाय सबसे ज्यादा लूज आप ही निकाला बाय बोल दो चल गुम्बो ठीक है कौन सा बनाएगा सारे बनाएंगे ना चीयर काम दोनों ने एक साथ बोलना है साथ बोलना है लेकिन आप हमने एक लाइन बोली बस ठंडा पी लो जना देगी और फिर आप लोग फिर गियर के बात लियो समा दूंगी आप लोग ऐसे सामने लगा सीधा रुक जा कर देंगे लेना ठीक है अब जाने का टाइम हो गया टाइम रिटी रिटी सॉरी है अरे यार आप जान के हैं कैमरे के सामने फिर ठीक हुआ इसके तो देखिए ये भाई को जान कब जाए मैं करूँ ओके हो गया फंक्शन हाँ रात को ना अब निकालती हूँ अपनी ड्रेस सब ने बहुत अच्छी बताई सब ने तारीफ करी एक नंबर तो छोले बटो जलेबी में थी सब कुछ खत्म हो चुका है इस बात की बहुत खुशी है सैलेड तो मैंने खाई नहीं मैंने तो खाने बस दो बटोरे खाए थे उस टाइम दो भी ज़्यादा ही बोल दिए मैंने अच्छा ये आलू बचा है अब देखूँगी क्या क्या बचा है और खाऊँगी बैठ के शांति से बटोरे तो है चेंज कर लिए सास आ रही है बुआ जा रही है बाय कर देती हूँ बहुत अच्छा बुआ आलू भाई क्या दिन था बारिश बादल इन दोनों सब कुछ आया आज हलवाई का सामान जा रहा है सो इतना टेस्टी केक था इतना टेस्टी मैंने इंस्टा से ही मंगवाया था ये ऑर्डर करके पल्लवी दी है उनका पेज है इंस्टा मैंने ना 1 लाख का भी वहीं से मंगवाया था और ये भी कितने प्यारे टोए यार मैं ही खाऊंगी मैंने किसी को नहीं दिए दोनों बच्चे कि बेबी शर्मा मेरे तो बच्चे मेरी है बच्चे मैं ही खाऊंगी ओह बहुत ही टेस्टी था 2 kg का था थोड़ा सा ही बचा है हो गया है लेकिन सच में बहुत टेस्टी है कपड़े तो मैं अभी खा लेती हूँ ये सब चॉकलेट से है चॉकलेट और च्युइंगम होती है ना उससे है बट बहुत टेस्टी है पता नहीं गुड्डा किसी ने गिराया मुझे तो समझ नहीं आ रहा बॉय भी खा लिया किसी ने पर कोई नहीं कोई बात नहीं खा लिया तो और अब चारों तरफ बैलून्स हैं सामान है गिफ्ट है सबने नाम बताए हैं ए टू जेड सबने
और गेम भी खेले हैं। ये हार्ट एसोसिएशन का बेबी का नेम, ये देखो फिल कर दिया सबने। बहुत बढ़िया। बिल्कुल साफ है, कुछ भी हिम्मत नहीं है अब करने की। अब सोच रही हूँ बस मम्मी बुआ छोड़ने के लिए दूध रखा है। मैं बोले दूध रखा है, दूध तो कहीं नहीं है। अरे तुम होकर भी दिया। अब मैं कुछ गर्म करती हूँ और अपना खा लेती हूँ। भाई भाई साहब उस टाइम ना सिर्फ खड़े खड़े एक ही खाया गया था, एक भी मतलब एक भी ज़्यादा नहीं खाया गया। एक तो हैवी रह गया था, दूसरा मुझे था कि बस जल्दी से हो जाए मतलब अच्छे से सब। और अब मैं लेके आई हूँ अपने लिए, अब खाऊंगी। थोड़ा रूम क्लीन कर दिया, बाहर से भी सारा क्लीन कर दिया, 7 बजे होने वाले, किचन भी ऑलमोस्ट मैं कराई। अब मैं लेटूंगी, थक चुकी हूँ मैं तो बिल्कुल ही, और बेबी भी। चलो खा लेते हैं। कल इस टाइम बैलून्स लग रहे थे और आज इस टाइम फंक्शन भी हो गया, सब अपने अपने घर भी जा चुके हैं और सब कुछ बहुत ही बढ़िया रहा, बहुत ही बढ़िया। सब ने खूब इंजॉय किया, खूब रील्स बनवाई, कोई भी एक्टिंग नहीं करी किसी ने भी। मतलब ये ऐसा नहीं बनाएंगे वैसा नहीं बनाएंगे, जैसे जैसे मैं बताती गई सब ने अपना बेस्ट दिया। सो मुझे भी इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा कि हाँ भाई सब ने बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट किया। बस मुझे ना यहाँ पे मार्कर रखना चाहिए था, मैंने बस ये थोड़ी गलती कर दी। आप लोगों को लग रहा होगा कुछ नहीं लिख रखा, बट ये पूरा ढक रखा है कंग्रेट्स ऑन योर लिटिल लड्डू नोनी, सुंदर सी बेटी हो, दोनों माँ बेटी स्वस्थ रहे, खुश रहो, गीता मौसी हैव एन अमेजिंग अमेजिंग वन डियर, giving you all the wishes of the painless delivery, welcome to the world of adventures, whether a girl or a boy there is no greater than a joy of being news of bring yours new child, happy pregnancy bua, all the best for your new journey, congrats, god bless you, may good all the best। बहुत अच्छे अच्छे लिख रखे हैं। और बेबी के नेम तो आप लोगों को मैं बताऊंगी, सब ने चिट में बच्चों के नेम बताए हैं। भाई यहाँ पे मैंने लिखा हुआ था बेबी नेम सजेशन, ये छोटा बस गेम हो गया एक तरीके से, बस सबको अच्छा लग गया तो बेटा और बेटी। चलो एक चिट रैंडम उठा के बताती हूँ। लो ऊपर यहाँ पे तो यही उठा लेती हूँ। तो ये मामी ने लिखा है आयरा और अद्विक, अच्छे नाम है, आयरा आयरा तहलान, अद्विक तहलान, क्यूट, थैंक यू मामी। भारती नवनीत और नविया अच्छा है, गुड यार। मेरे घर वालों ने खूब ज़्यादा भागी, ये देखना बेटी बेटा वैष्णवी और अभिमन्यु, किसने लिखा? ये उसने लिखा है गीता मौसी, शायद गीता मौसी लिख के गई थी। तो अच्छा है यार, अच्छा लगा ये गेम और ये सब। तो मैंने ये तो बोल के ही बनवाया था कि मुझे ऐसा कुछ देना, ये तो मैं रखूंगी उतार के, और बैलून्स भी हटाने का मन नहीं कर रहा, ऐसे ही रहेंगे। ये देखो ये बोल रहे थे, ये रिंग है ना इसके पीछे, ये लाइट है, ये मैं एक दो दिन बाद बोलूँगी ले के आप ले जाना। वैसे बच्चों ने काफ़ी सारे बैलून से बच्चे खेले हैं, ये एक्स्ट्रा नीचे है और बस वहाँ है, और जितने एक्स्ट्रा बैलून थे सब ख़त्म हो चुके हैं। ओके अच्छा लग रहा है ऐसे सजेगा दोबारा 2 महीने बाद लेकिन तब अलग डिफरेंट सजेगा, तब ओ बेबी नहीं होगा, वेलकम बेबी होगा, ये सब डिफरेंट। तब उस दिन मैं फूल से कराऊंगी अपना बच्चा, तब मेरा बच्चा घर आएगा। मेरे हस्बैंड किसी काम से गए हुए हैं, ये सामान वामान भिजवाना ज़रूरी था आज ही, तो वो वहाँ गए हुए हैं।
रूम तो मैंने साफ कर दिया था क्योंकि मुझे पता था कि सुबह भी भाई करना ही पड़ेगा। कितना प्यारा टॉय दिया है चाची ने सब देख रहे थे, कह दी आंखों वाला बेबी। ये तो मैं गिफ्ट पार्सल ओपनिंग वीडियो बनाऊंगी ना, उसमें आप लोगों को दिखा दूंगी। फिलहाल के लिए भरा हुआ है ये बिल्कुल, यहाँ पे एक सोफा अंदर ले आए थे ना हम, ये भरा हुआ है बिल्कुल, और वहाँ भी गिफ्ट रखे हैं। अब मैं सारे गिफ्ट तो आप लोगों को इस वाले वीडियो में नहीं दिखाऊंगी, मैं ओपन ही करूँगी नेक्स्ट वीडियो में। देखो क्या हाल हो गया है मेरा, अब मैं थक चुकी हूँ, मेरी आइज़ काफ़ी हैवी हो रखी है, मम्मी ने नज़र उतार दी वैसे तो, लेकिन फिर भी बहुत हैवी लग रहा है मुझे क्योंकि मैं रेस्ट नहीं करी और तब तक ये नहीं आएंगे मैं रेस्ट कर भी नहीं पाऊँगी क्योंकि मुझे ऐसे नींद भी नहीं आएगी। बट गाइज जैसा सोचा था वैसा ही बेबी शावर हुआ है, मेरा भी लाइफ का फर्स्ट था, सो मैं भी बहुत एक्साइटेड थी कि ये करूँगी। पता नहीं कब से रील्स देख रखी थी बेबी शावर की, और ये ऐसे फॉर्मेट बना बना के रख रखा था बेबी शावर की मेहंदी, बेबी शावर का ये वो। बस आप सोचो मत क्या क्या प्लानिंग थी मेरी। मैं घर पे थी तभी भी, घर से आने के बाद भी मैं देखो कितनी काली हो चुकी है। मुझे रिसेंट एक कमेंट आया कि फ्री में मेहंदी लगवाई है। यस बिल्कुल, मेरा सब कुछ फ्री में होता है, हर एक चीज़। हमारे आज हलवा भी फ्री में बैठे थे और सब कुछ ही फ्री में होता है। हमारा राशन भी सारा फ्री में आया है हलवाई का, और बहुत चीज़ें फ्री में होती है, क्या करें। मैंने अपने आप को इस काबिल बना लिया है कि मेरी हर चीज़ फ्री में होती है। आई एम सो प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि मैं आज इस स्टेज पे हूँ लाइफ के कि जहाँ पे मैं फ्री में करती हूँ। लोग मुझसे काम कराते हैं कि आप बस मेरा काम कर दो चाहे वो फ्री में। लेकिन एक चीज़ और बताती हूँ आप लोगों को, ये बहुत लोगों को लगता है, देखो जब हमसे कोई काम कराता है ना तो वो यही होता है कि उन लोगों का फ़ायदा है उस चीज़ में, हमारा फ़ायदा है। देखो मेहंदी एक बार लगी बात ख़त्म है ना। उन लोगों का फ़ायदा क्या है कि हमसे जितनी भी ऑडियंस जाएंगी वहाँ पे, उनकी बुकिंग होगी, ऑडियंस जाएगी, तो वो उनका भी फ़ायदा है। वरना आज के टाइम पे तो कोई किसी को फ्री में जहर ना खिलाए मेहंदी और ये सब तो क्यों ही करे, नहीं। और सबके अब अपनी समझ की बात है, चलिए। बट यस, मैं इस स्टेज पे हूँ जहाँ पे मैं जो चाहूँ जितना अच्छा चाहूँ ले सकती हूँ, और वो भी सिर्फ अपने यूट्यूब और इंस्टाग्राम के दम पे, बिना एक पैसा खर्च करें। एंड इसमें मैं अपने आप को काबिल बनाया है इसके, और मैं इस काबिल हूँ कि मैं सब कुछ कर पा रही हूँ। और आगे भी ये काम बढ़ेगा, कभी कम नहीं होगा क्योंकि फॉलोअर्स हमेशा बढ़ते रहेंगे। तो मैं नई नई पब्लिक, नए नए इंस्टा पेजेस, नए नए डिज़ाइनर लहंगे, ज्वेलरी सब मिलते रहेंगे, और ऐसे ही मैं सब फ्री में लेती रहूँगी। करते रहो कमेंट ठीक है गाइस। सो बिल्कुल भी वो नहीं हूँ मैं आप सब बस उसमें अच्छे तरीके से बताया। नेल्स भी फ्री में, तो सब कुछ ही फ्री में करती हूँ। मज़े हो गए मेरे, बस शादी में पैसे खर्च हो गए पापा के। काश उस टाइम इन्फ्लुएंसर होती तो पापा के पास पैसे बच जाते, बस यहाँ पर थोड़ा सा दुख लगता है मुझे। लेकिन फिर मैं सोचती हूँ पापा ने पैसे लगाए तभी तो मैं इन्फ्लुएंसर बनी, क्योंकि तभी मेरी वीडियोस चली, पापा ने पैसे लगाए तभी मेरी शादी की वीडियोस चली, तभी मैं यूट्यूब पे आई, तभी आज मैं यहाँ हूँ, है ना। सो सब कुछ लाइन से ही होता है। अब मैं एडिटिंग करती हूँ आज के ही व्लॉग की, कितने पार्ट से बनता है मुझे नहीं पता, बट मैं आज के ही व्लॉग की एडिटिंग करूँगी। मैं थक चुकी हूँ बट काम बहुत ज़रूरी है, वरना आप लोग बोलोगे इतनी लेट व्लॉग आया है इसीलिए। बट चलिए बाय बाय, गुड नाइट गाइज, कल फिर मिलते हैं एक नए व्लॉग में। कल कल का व्लॉग है, देखो परसों एक और धमाकेदार सरप्राइज है आप लोगों के लिए। ओके बाय गाइज, गुड नाइट, टाटा, कल फिर मिलते हैं एक नए व्लॉग में।